हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आप सभी का चैनल ऑसम एरी। और आज मैं आपको श्रीनगर ट्रिप जो मैंने की थी रिसेंटली उसका रिव्यू देने वाला हूं, साथ में गुलमार्ग का भी रिव्यू दूंगा और डल झील का भी। तो डल झील के साथ देखिए रिव्यू को, और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या श्रीनगर खर्चीला है या क्या वहाँ पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो उस सभी को देखने के लिए और सुनने के लिए जरूर आगे देखिएगा। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर आप कैसे पहुंच सकते हैं, आप श्रीनगर कैसे जा सकते हैं। तो आपके पास तीन मोड्स आते हैं, आप बाई रोड, बाई रेल, बाय एयर जा सकते हैं। अगर आप बाई रोड जाते हैं तो आपको जम्मू से NH 44 के रास्ते श्रीनगर जाना होता है। इससे आपको कम से कम एक दिन का समय लगेगा। अगर आप बाय रेलवे जाते हैं तो आपको जम्मू से बनिहाल के लिए बाय रोड जाना होगा। वहां से आपको श्रीनगर के लिए ट्रेन मिलेगी, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर के लिए रेलवे लाइन ही नहीं बिछी हुई है, कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। इसलिए आपको बनिहाल जाना पड़ेगा सबसे पहले, वहाँ से आपको ट्रेन लेनी पड़ेगी जो आपको 2 घंटे में श्रीनगर पहुँचा देगी। बट बनिहाल के रास्ते में आपको काफ़ी समय लग जाएगा। और अगर आप बाई एयर जाते हैं तो आप चंडीगढ़ से जा सकते हैं, दिल्ली से जा सकते हैं। मैं अगर मेरी बात करूं तो हम भी चंडीगढ़ से बाई एयर गए थे। बाई एयर में आपको बस 1 या 2 घंटे श्रीनगर पहुंचने में लगते हैं। अब फिर दूसरी बात आती है कि आप वहां पर कहां रुके, होटल कहां पर लें। मेरे ख्याल से आपको श्रीनगर से 1 या 2 किलोमीटर दूर होटल लेने चाहिए। श्रीनगर में बहुत से होटल हैं बट वो महंगे हैं। जैसा कि मैंने बताया, श्रीनगर एक महंगी सिटी है और हमने भी वहाँ पे कुछ खास नहीं खरीदा। अभी बात करते हैं श्रीनगर के टूरिज्म के बारे में कि श्रीनगर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। जैसा कि श्रीनगर में आप बहुत सी जगह पर घूम सकते हैं, बट मैं जहाँ जहाँ पे गए मैं आपको वो बताता हूँ। मैं मुगल गार्डन गया, हज़रत अली दरगाह गया, परी महल और डल झील, मैं बस इतनी ही जगह पे गया। और यहाँ पे कुछ मतलब आपको टिकट्स ख़रीदनी पड़ेंगी मुगल गार्डन के लिए, बट परी महल और हज़रत अली में आप बिना टिकट भी जा सकते हैं। डल झील के लिए भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी, जिसका प्राइस आपको कुछ ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन कुछ 2800 से 3000 रुपये है जो कि आप डल झील के लिए पे करेंगे। श्रीनगर में आपको बहुत ज़्यादा वादियाँ देखने को मिलेंगी, वादियों का शहर भी आप श्रीनगर को कह सकते हैं। तो श्रीनगर के टूरिज्म में आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर मेरी फेवरेट की बात करूँ मैं तो डल झील, और अगर डल झील के बाद मुगल गार्डन, क्योंकि मुगल गार्डन में आपको तकरीबन एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यार यहाँ से नदी बहती थी, पहले वहाँ से नदी बहा करती थी जिसका पानी सीधा डल झील में जाया करता था। और जहाँ पे कुछ मतलब ऐसे वाटरफॉल्स के लिए कुछ एंशिएंट टाइप के फुहारे हैं जो पहले चला करते थे, अभी नहीं चलते हैं। और आप देख भी सकते हैं किस तरीके की वादियाँ आपको दिख रही हैं। मुगल गार्डन श्रीनगर में डल झील के पास ही है और बिल्कुल आपको डल झील का एक बेस्ट व्यू देखने को मिलता है वहाँ से। तो एक बार आप मुगल गार्डन ज़रूर जाइएगा। मुगल गार्डन के लिए भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। और अगर अभी तक आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे और श्रीनगर के वीडियो देखने हैं तो मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। उसके अलावा आप मेरी जो नीचे रेड कलर के साइड में जो पिक्चर आ रही है वहाँ पे क्लिक करके बहुत से वीडियोस देख सकते हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अभी गुलमार्ग के बारे में बात करते हैं। गुलमार्ग इज़ रियली फैंटेस्टिक। अगर गुलमार्ग के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो गुलमार्ग जो है पूरा गवर्नमेंट का है, वहाँ पर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पूरा गुलमार्ग रेंट पर है। बस वहाँ की खास बात है कि आपको वहाँ हर मौसम में बर्फ़ मिलेगी।
अगर श्रीनगर में बर्फ़ नहीं है जनरली, हम गए तब नहीं पड़ी थी, लेकिन जब हम गुलमार्ग घूम के आए उसके बाद श्रीनगर में हमने स्नोफॉल देखा, तो वो स्नोफॉल का नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये रियली बेस्ट नज़ारा होता है स्नोफॉल का नज़ारा। गुलमार्ग में आपको होटल मिलेंगे, लेकिन वो मतलब मेरे को पता चला कि पूरा गवर्नमेंट का है, उन्होंने होटल भी रेंट पर बना रखे हैं। तो सबसे पहले आपको श्रीनगर से जाना है गुलमार्ग, गुलमार्ग की टिकट लेनी है, और फिर गुलमार्ग में दो जगह हैं, मतलब आप पीछे बर्फ़ में खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, अगर आप ऊपर जाना चाहें तो K1 और K2 है। K1 और K2 पर आप ट्रॉली से जा सकते हैं, उसके अलावा मोटर, जो 4 व्हीलर मोटर होती हैं, मोटर साइकिल्स, उनसे भी आप जा सकते हैं। ट्रॉली से तकरीबन आपको कुछ 900 रुपये का एक आदमी का किराया आता है K1 का, और 1600 रुपये K2 का। K1 पर आपको स्कीइंग सिखाई जाती है, और K2 पर आप स्कीइंग करते हुए नीचे आ सकते हैं। K1 पर आपको मोटर राइड, जो आइस स्कीइंग वाली मोटरसाइकिल्स होती हैं, उनमें भी आप घूम सकते हैं, सीख सकते हैं। और रियली यार, मतलब बहुत ही एक अच्छा शहर है, आप आसानी से जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लोगों की श्रीनगर में, तो कोऑपरेटिव हैं, और मैंने उनसे बात की है तो यार यही कहते हैं कि ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं, इन्होंने ये भड़का रखा है कि यार ये मतलब यहाँ पे फायरिंग होती है वगैरह, यहाँ पे गलत काम हो रहा है, तो ये न्यूज़ चैनल वाले करते हैं। अब मेरे को नहीं पता इसमें कितना सच है, बट मेरे को कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला श्रीनगर में। मैं रहा एकदम मतलब 4-5 दिन, तो यार पूरा एक अच्छा सा शहर देखने को मिला, शांति भरा शहर है श्रीनगर। और आप अभी जो अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, साइबेरियन क्रेन, ये रशिया से डल झील में आए हैं, और ये हर साल आते हैं। और डल झील का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम गए तब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई थी, क्योंकि हम बिल्कुल सर्दियों में गए थे। और कुछ मैं अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँ तो ये साइबेरियन क्रेन्स आपसे नहीं मिलेंगी, जैसे ही आप इनके पास जाएंगे आपसे दूर जाती जाएंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मतलब कि यार नज़ारा तो कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्त होता है श्रीनगर का। साइबेरियन क्रेन इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बर्ड्स, मतलब यार देखते ही बहुत ज़्यादा, एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ये। और ये आपको काट मतलब कुछ अटैक नहीं करती आपसे, बस ये आपसे दूर भागती हैं। ईगल्स इन पर अटैक करती हैं, और आपको इस पानी में मछलियाँ नॉर्मल गर्मियों में देखने को मिलती हैं। अगर मैं आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, तो यहाँ पे बीच में एक पूरा टापू है, जो यहाँ के राजा डॉक्टर करण सिंह का है, जो पहले यहाँ के राजा थे, अब उनके बेटे हैं राजा, तो जो राजा हैं करण सिंह, वो पूरा उनका है। उसके अलावा बीच में यहाँ पे गार्डन है, नेहरू गार्डन, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वो भी एक टापू की ही तरह है। उसके अलावा डल झील में आपको एक चलता फिरता बाज़ार मिलेगा, पूरा मतलब पूरा चलता फिरता बाज़ार मिलेगा, जिसमें आपको फ्रूट्स मिल जाएंगे, आप रेस्टोरेंट भी हैं वहाँ पे। उसके अलावा आपको हैंडमेड चीज़ें मिल जाएंगी, आपको बोट्स मिल जाएंगी लकड़ी की, आपको कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी बोट्स की। उसके अलावा यहाँ पे हाउस बोट का भी काफ़ी क्रेज़ है श्रीनगर में, आप 5,000 में कुछ दो, अगर कुछ ज़्यादा है तो 5,000 में, और कम से कम अगर आप देना चाहें तो एक रूम 2500 में आपको पड़ेगा हाउस बोट का। वो मैंने नहीं गया मैं हाउस बोट में, आप जा सकते हैं, उन्होंने बताया कि यार ये काफ़ी मतलब यहाँ पे चलता है, हाउस बोट का काफ़ी क्रेज़ है। और उन्होंने ये बताया कि अगर आप और ज़्यादा मतलब अगर यहाँ पे बर्फ़ पड़ी और तब आप आए, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पे पैदल चल सकते हैं, मतलब आप कोई आप पैदल चल रहे हैं तो आप पानी के अंदर नहीं जाएंगे। हम गए तब थोड़ी थोड़ी ही बर्फ़ थी, क्योंकि तब फोड़ते चल रहे थे। और अगर हम वुलर झील की बात करें, तो वुलर यहाँ से थोड़ी सी और आगे है, वो और बड़ी है, पर उन लोगों ने बताया कि वो इससे कम सुंदर है, हालांकि वो इससे बहुत बड़ी है, लेकिन वो इससे कम सुंदर है, तो हम वुलर झील नहीं जा सके। बट अगर आप जाना चाहें तो वुलर झील भी जा सकते हैं। और अगर मैं बताऊं श्रीनगर के बारे में, तो यही है जन्नत ए हिंदुस्तान, आप जन्नत महसूस करेंगे श्रीनगर में जाके। मतलब
बर्फबारी भी हमने वहाँ पर देखी जो मैंने अपनी आंखों से पहली बार स्नोफॉल होती हुई देखी। मैं सोचा यार नहीं होगी, हम जाने वाले सोचा नहीं होगी, एक दिन मजा था, बट यार तभी स्नोफॉल हुई। और यार सबसे बेस्ट नज़ारा वही होता है पहाड़ों के बीच में जब बर्फ गिरती है, तो यार मतलब एक अलग सा ही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। डल झील में आपको गेट्स मिल जाएंगे जाने के लिए, यहाँ पे कुछ 30 गेट हैं और हर गेट पे तकरीबन 20 नाव होती हैं, और हर नाव का एक अलग अपना ही नाम होता है। हर नाव का जैसे वादियाँ कश्मीर, अलग अलग तरीके से जश्न हिंदुस्तान, मतलब अलग अलग ऐसे बहुत से अलग अलग नाम होते हैं, और आप अपनी तरफ से नाव को चूज़ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप हैंडमेड नाव भी खरीद सकते हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बेसिक आपको महंगी मिलेंगी, बट अगर आप इनसे थोड़ा बात करेंगे तो आपको बहुत सस्ती करके दे देंगे, क्योंकि हैंडमेड होती हैं। श्रीनगर में आपको आर्मी के लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर आप लोगों से पूछेंगे तो यार वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो कि आप कहें कि यार कुछ ऐसा चल रहा है। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा, और मतलब डल झील का पानी बहुत ज़्यादा साफ है, मतलब लोगों की वजह से ही है, और गंदगी वहाँ बिल्कुल कम है, मतलब जो बाकी के भारतीय शहरों में होती है उससे बहुत ज़्यादा कम गंदगी है। वो मेरे को एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगी, जम्मू से भी कम है। जम्मू में तब हम गए, तब जगह जगह पे हमने इतनी गंदगी नहीं देखी, कटरा में भी बिल्कुल गंदगी नहीं थी, लेकिन श्रीनगर में तो यार बिल्कुल ही गंदगी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से आप भी अपने देश में गंदगी ना कीजिए, और अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट में अगर आपका कोई भी डल झील को लेकर, श्रीनगर को लेकर या फिर गुलमार्ग को लेकर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप अगर अपना सजेशन देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं श्रीनगर का पानी बहुत साफ़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। आपको ये जो पीसेस दिख रहे हैं ये बर्फ़ के पीसेस हैं, ये वाटर बर्फ़ के पीसेस हैं, और क्योंकि अभी कुछ शाम हो चुकी है जहाँ पे वीडियो है, तो आपको कुछ पानी मतलब ठंडा बहुत है, और बर्फ़ थोड़ी पिघल चुकी है, लेकिन सुबह वो दोबारा रिकवर कर लेती है, पता नहीं कैसे करती है, बट शाम तक पिघलती है, मौसम ठंडा होता है, फिर से बर्फ़ रिकवर कर लेती है। और अभी आप देख रहे हैं जो कि साइड में आप सीनरी देख रहे हैं, मतलब एकदम मिरर बन चुका है पानी, बहुत ज़्यादा साफ़ है। उसके साइड में आप देख रहे हैं वो बर्फ़ की बहुत बड़ी चादर लगी हुई है, उस पर अगर आप कुछ भी फूटेंगे वो नहीं फूटेगी, कुछ भी फेंकेंगे वो भी नहीं फूटेगी। ये सारे पीसेस ही बर्फ़ के हैं। और यार मतलब पेड़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, रोड भी काफ़ी मतलब इतने शांत और शांति भरा माहौल है, और वहाँ पे मतलब झरने भी हैं, मतलब झरने वाटरफॉल्स, यहाँ पे तो इन्होंने मोटराइज कर रखा है, बट यार श्रीनगर में आपको वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। मैंने नेचुरल वाटरफॉल देखा है वहाँ पर, नेचुरल जो कि आपको दिख जाएगा अनंतनाग में, और हमने वहाँ की ट्रेन राइड भी की थी जो कि यार मतलब बहुत ही अच्छी थी, हालांकि बर्फ़ गिरी हुई थी काफ़ी तो हमें ट्रेन से जाना पड़ा, बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेन काफ़ी अच्छी है, स्टेशन तो है बहुत ज़्यादा साफ सुंदर हैं, और वो बिल्कुल समय समय पर खुलते हैं, मतलब अभी जा रही है ट्रेन तो अभी स्टेशन खुलेगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आप पहले ही जाके 5 घंटे पहले बैठ गए, मतलब 10 मिनट पहले ट्रेन आई 10 मिनट पहले स्टेशन खुलता है, उससे पहले स्टेशन ही नहीं खुलता, और कुछ दो या तीन चार ट्रेन, बस वो एक ही ट्रेन है, वो 4 बार या फिर 2-3 बार दिन में पास होती है, तो बस उसी के लिए खुलता है, बाकी वो बंद रहता है। और जब आप ये पीसेस देख रहे हैं सारे बर्फ़ के हैं, और भाई बहुत ज़्यादा जो मतलब भी अच्छे थे, वो बहुत ज़्यादा बातें भी बता रहे थे, और वो फोड़ते भी चल रहे थे, हमने काफ़ी भी मतलब सिल्लियाँ उठाई हैं, सिल्ली की सिल्ली जो होती है वो उठाई हैं, और मतलब सिल्लियाँ बड़ी बड़ी बहुत हैं, और बर्फ़ भी जमी रहती है, बट अगर आप गर्मियों में जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको
गर्मियों में मछलियाँ मिल जाएंगी जो कि आपको सर्दियों में नहीं मिलेंगी, और मौसम भी काफ़ी एक अच्छा रहता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पानी नीचे से ऊपर उठाने के लिए, मतलब जो नीचे का ठंडा पानी है उसको ऊपर फेंकते ताकि वो थोड़ा गर्म हो जाए इसलिए। और यार मतलब व्यू भी काफ़ी अच्छा आता है, और बेस्ट व्यू होता है श्रीनगर का। और नावें भी मतलब एक सजा के आपको कंबल मिलेगा, आप 5 आदमी बैठ सकते हैं, आप खाना भी मतलब वहाँ पे रेस्टोरेंट। और अगर मैं आपकी एक अच्छी डिश की बात करूँ तो कश्मीरी कावा वहाँ की एक वेज और बहुत अच्छी डिश है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और कमेंट करके आपके सारे क्वेश्चंस ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।